कहते हैं जल ही जीवन है, पर अगर जल जहरीला हो तो जल जीवन ना होने का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही देश की बात करेंगे जो पानी को बड़ी मात्रा में दूषित कर रहा है। चलिए बात करते हैं उस देश की। नमस्कार, मैं गरिमा, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। जिस देश की हम बात कर रहे हैं उस देश का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो देश जापान है। जी हाँ, जापान ने समुद्र में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का रेडियोएक्टिव पानी पैसिफिक ओशन में छोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही जापान के समय के मुताबिक दोपहर के 1:03 पर यह प्रोसेस शुरू किया गया था। बताया जा रहा है कि पहले दिन करीब 2,00,000 लीटर रेडियोएक्टिव पानी छोड़ा गया, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 4.5 लाख लीटर कर दिया जाएगा। टैपको, जो कंपनी इस न्यूक्लियर प्लांट को मेंटेन करने का काम करती है, उसने बताया कि सबसे पहले सैंपल के तौर पर एक टैंक से थोड़ा पानी छोड़ा गया था। टैंक से पानी छोड़ने के बाद सभी कंडीशंस देखी गई थी। कंडीशंस देखने के बाद कोई गड़बड़ी नजर ना आने पर प्लांट से पानी छोड़ा गया। प्लांट से पानी को रिलीज करने वाला पंप 24 घंटे एक्टिव रहता है। आप सभी के मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि रेडियो एक्टिव पानी समुद्र के पानी में क्यों छोड़ा जा रहा है। चलिए बताते हैं कि यह क्यों किया जा रहा है। 12 साल पहले 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में भयानक विस्फोट हुआ था। इसके बाद से ही वहां 133 करोड़ लीटर रेडियोएक्टिव पानी जमा हो गया था। अब जापान इससे निजात पाने के लिए इसे समुद्र में बहा रहा है। पर जैसे ही जापान ने रेडियोएक्टिव पानी को समुद्र में छोड़ने की बात कही तो चीन और दक्षिण कोरिया के लोग इससे डर गए हैं। रेडियोएक्टिव पानी को समुद्र के पानी में मिलाने से पानी में 64 तरह के रेडियोएक्टिव मटेरियल घुल जाएंगे। इनमें कार्बन 14, आयोडीन 131, सीजियम 137, सिट्रोटियम 90, कोबाल्ट, हाइड्रोजन 3 और टाइटेनियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक माने जाते हैं। रेडियोएक्टिव पानी को समुद्र में छोड़े जाने पर चीन, साउथ कोरिया के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सी फूड यानी मछली, क्रैब और समुद्री जीवों के जरिए इंसानों के शरीर तक पहुँच सकते हैं। टाइटेनियम के स्किन पर गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन शरीर में घुलने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए द नगरी न्यूज़ के साथ।